दोस्तों आपके चैनल पर ना एक अपील करने का ऑप्शन आता है, आपके चैनल पर एक रीयूज्ड कंटेंट आता है और अगर आप अपील करते हैं तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी है? नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपील करते हैं अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जिससे कि आपका चैनल एक बार के अंदर मोनेटाइज हो जाए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपके चैनल पर लिख कर आ जाएगा कि यूट्यूब ने आपके चैनल को चेक किया और डिलीट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। आप कुछ गलती करके अपने चैनल पर रखते हो जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता और YouTube डिलीट कर देता है। वो कौन सी गलती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए आज की इस वीडियो में बताऊंगा और आपको डिटेल में एक एक चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप स्क्रीनशॉट देखिए, एक लड़के का चैनल है जिसका नाम है टोटली जोन और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर टैग किया था। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी नीचे दिख रही है। इन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे टैग किया था। टैग करने के बाद इन्होंने बताया कि मैं अपने चैनल पर काम कर रहा था और मेरे चैनल को YouTube ने डिलीट कर दिया है। इन्होंने YouTube को अपील भी की। यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अबाउट रीस्टोरिंग एक्सेस ऑन योर गूगल अकाउंट। यहाँ पर इस लड़के के पास मैसेज भी आया है YouTube टीम का कि हम आपके चैनल को देखेंगे, अगर आप अपने चैनल पर गलत काम नहीं कर रहे हैं और हमारी तरफ से बाई मिस्टेक हुआ है तो हम आपके चैनल को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या अपील करने से भी YouTube चैनल मतलब रिमूव हो जाता है क्या, डिलीट हो जाता है क्या? अपील वाला जो YouTube ऑप्शन भेजता है मोनेटाइज करने के लिए, अगर उस अपील करने के बाद भी YouTube चैनल डिलीट होता है क्या? यहाँ पर देखो, दिखा रहा हूँ, यहाँ पर साइड में आप देखो, इस चैनल का नाम है इंडिया थॉट और इस चैनल पर अपील किया था। यहाँ पर क्या लिखा है, यू डिड इट इंडिया थॉट, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। मतलब कि आपकी अपील की वीडियो एक्सेप्ट कर ली गई हैं, आपकी भी अपील की वीडियो को एक्सेप्ट किया जाएगा अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे। देखो जब आपके चैनल पर ना अपील करने का ऑप्शन आ रहा हो रीयूज्ड आने के बाद तो आप कुछ काम कर लेना, अपने चैनल पर जाना। अपने चैनल पर जाने के बाद आपको देखना अपने वीडियो के जो टाइटल होता है वीडियो का आपके, उस टाइटल को देखना होगा। टाइटल में कहीं हैशटैग तो नहीं लगा हुआ है, कहीं इमोजी ज़्यादा तो नहीं यूज किया हुआ है। अगर आपने किया है, बाई मिस्टेक आपने कर लिया, आपको पता नहीं था, कुछ यूट्यूबर फेक यूट्यूबर की वीडियो देखकर आपने कर लिया और उन्होंने बताया कि व्यूज बढ़ जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा, और आपने कर लिया है, तो एक काम कर लेना, मैं जेन्युइन तरीका बताता हूँ। यहाँ पर फेक बातें नहीं होती, यहाँ पर जो बातें बताई जाएंगी 100% आप आंख बंद करके विश्वास कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जाएगी जिसको लेकर आपके चैनल पर कभी दिक्कत आए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम आती कहाँ से। तो प्रॉब्लम जो आती है वो मेन प्रॉब्लम आती है आपके चैनल पर मेटा डाटा में, प्रॉब्लम आती है आपके मेटा डाटा में। अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा होता है आपके वीडियो का टाइटल, आपके वीडियो का टैग, आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन, आपके वीडियो का थंबनेल। अब सबसे पहले आप अपने टाइटल को चेक करना, आपके वीडियो में जो टाइटल लगे हैं क्या उस पर हैशटैग का यूज किया है, अगर किया है तो उसे आज हटा देना, राइट। अब दूसरी बात आती है आपका थंबनेल, थंबनेल पर क्या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी वाला वर्ड यूज किया है, फोटो न्यूडिटी की तो नहीं यूज कर ली है, और अगर यूज की है तो ब्लर किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो अच्छी बात है, तब ठीक है, नहीं तो उस थंबनेल को भी हटा देना। तीसरा, अब जब आप अपने अपील करने का ऑप्शन आया है, अपील करने की सोच रहे हैं, तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, अपने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डिस्क्लेमर होना चाहिए और आपके टाइटल का जो टाइटल आपने कॉपी लिखा है उसी को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देना, 3-4 हैशटैग डालना और 10-15 कीवर्ड डाल देना, योर क्वेरीज लिखकर ऊपर नीचे कीवर्ड डाल देना 10-15, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। अगर आप इसके अलावा ज़्यादा डालोगे तो यूट्यूब को दिक्कत होगी। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका कोई टीचर है स्कूल में, कोई मास्टर है, और आप उसको ले जाते हैं अपने कॉपी दिखाने के लिए और आपने राइटिंग जो है बड़ी गलत राइटिंग लिख रखी है, तो अगर उसे समझने में दिक्कत होगी ना तो क्या करेगा, थोड़ी देर तो पढ़ेगा और ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, उसको गोला बनाएगा, काट देगा और कहेगा 0 दो या 1-2 नंबर दे दो। तो वैसे ही YouTube भी है, YouTube के पास बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, बहुत सारे रोज मैसेज आते हैं, राइट, मोनेटाइजेशन को लेकर, और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उस वीडियो को मोनेटाइज करना है और अपील करके बहुत सारी लोगों की मैसेज वीडियो आती है। तो क्या करता है YouTube करता है कि आपकी अपील वाली वीडियो को वो देखता है, कब, जब आप अपने चैनल को पूरा क्लीन करके रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लीन कैसे करोगे, आपका थंबनेल अच्छा लगा हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी हो और मेटा डाटा अच्छा हो, बढ़िया बढ़िया कीवर्ड लगा रखा हो, टैग आपने अच्छे से लगा रखा, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से कर
रखी है तो YouTube आपके दो चार वीडियो को देखेगा, जैसे आपने जो लास्ट वीडियो अपलोड की है उस वीडियो को देखेगा, जो वीडियो आपने सबसे पहले अपलोड की थी पहला दिन जब चैनल बनाया था पहले दिन उस पर जो अपलोड की थी वो देखेगा, और वो वीडियो को देखेगा जिस वीडियो पर आपके वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था वो वीडियो देखेगा। अगर ये तीन वीडियो और एक वीडियो और जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं या वॉच टाइम आया है वो वीडियो देखेगी, बस ये चार वीडियो आपका YouTube देखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं देखेगा और आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा। तो एक काम आपको करना, थोड़ा स्मार्टली हमें गेम प्ले करना पड़ेगा। हमें अपील वीडियो बनाते टाइम सबसे पहले हमें पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा, हमारे वीडियो का पर्पस क्या है, हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारी वीडियो बनाने का मोटिवेशन क्या है, हमारी वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो हमें यूट्यूब टीम को ये बताना होगा कि हम जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं हमारा मकसद ये है। अब यहाँ पर आप ये मत बताने लगना कि मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाना है और कुछ नहीं है, कुछ भी डालकर मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यूट्यूब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा, राइट? तो ये नहीं बोलना है यूट्यूब को, आपको ये बताना है कि हम जो वीडियो अपनी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज के लिए, इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, सॉन्ग पर्पज के लिए बनाते हैं, अपलोड करते हैं। ध्यान रहे कि जो अपील में आप बोलोगे वही डिस्क्लेमर में आपके कीवर्ड में होना चाहिए। डिस्क्लेमर में एजुकेशन पर्पज लिख रहे हो और बोल रहे हो इंटरटेनमेंट पर्पज, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और मैं अभी आपको बता दूं कि हमने यहां पर पर्सनली, मैं बता रहा हूं, मैंने एक अपील वीडियो बनाया उस पर जिस चैनल का अपील किया था उस चैनल का नाम ही गलत ले लिया, लेकिन उस अपील वीडियो को एक्सेप्ट कर लिया यूट्यूब ने। उसका रीजन रहा कि अगर वो अपील आप भी देखते तो आप भी नहीं पकड़ पाते कि वो चैनल का नाम गलत था या सही था जो मैंने बोला, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो बड़े फ्लो में बोलता हूं, बहुत एकदम तरीके से सटीक, पहले सोचता हूं, उस पर डिस्कशन करता हूं, उस पर उस चैनल के बारे में देखता हूं, फिर उस पर अपील वीडियो बनाता हूं, और अपील वीडियो बनाने के बाद फिर उस अपील वीडियो को बताता हूं मोनेटाइज के लिए अप्लाई करो, राइट? अपील करो, अपील करते टाइम अपील का जो टाइटल लिखना है वो लिखना है अपील फॉर मोनेटाइजेशन। ये अपील की वीडियो जो आप बनाओगे ये 5 मिनट से छोटी होती है, ये भी ध्यान रखो। हमने अभी तक यहाँ से, अपने यहाँ से मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से अभी तक अपील की वीडियो जो बनाई गई है वो अपील की वीडियो बनी है, 10 वीडियो अपील की हमने बनाई है जिनमें से 8 अपील की वीडियो मोनेटाइज हो गए हैं, 2 अपील की वीडियो एक्सेप्ट नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो चैनल पर ही प्रॉब्लम था और कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट? तो अभी तक हमारी एक्यूरेसी है 90% से ज़्यादा, हम चैनल पर काम करते हैं जिस पर मोनेटाइज कराते हैं। आपके भी चैनल को हम मोनेटाइज करा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भैया से मैं कैसे जुड़ पाऊंगा, कैसे बातें कर पाऊंगा इनके व्हाट्सएप पर, तो अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो आपको सामने मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, 2 आईडी दिख रही है, एक टेक्निकल प्रभाकर, एक टेक्निकल अंडरस्कोप प्रभाकर अंडरस्कोप ऑफिशियल, ये 2 आईडी हैं। इन दोनों आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, बात करने के बाद आपके चैनल पर जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, तो आप मुझे वीडियो कॉल जरूर करेंगे, वीडियो कॉल करने के बाद ही आप पेमेंट या आईडी पासवर्ड कुछ भी डालेंगे। हम आईडी पासवर्ड वैसे लेते नहीं हैं, लेकिन पेमेंट भी वीडियो कॉल के बाद ही लेते हैं, तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना। हमारे नाम पर फेक काम बहुत होता है तो इसलिए बच के रहना। अब बात कर लेते हैं कि आपकी अपील की वीडियो एक्सेप्ट होगी या फिर आपका चैनल डिलीट कर देगा। तो जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बताई हैं, इन बातों को फॉलो करके आप अपील की वीडियो अपलोड करना। किसी के माई का लाल में दम नहीं है, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आपकी अपील को रिमूव में बदल दे, आपके चैनल को रिमूव कर दे, किसी के माई के लाल में दम नहीं है, राइट? अब एक चीज और आपको एडिशन जानकारी दे देता हूं, जो चैनल रिमूव होते हैं वो रिमूव क्यों होते हैं और बचते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूं। वो चैनल रिमूव इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई बहुत पुरानी जीमेल आईडी यूज कर ली, एडसेंस में लगा रखी थी, वो एडसेंस रिमूव हो गया, या उस एडसेंस पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ गई थी, या फिर कोई ऐसी जीमेल आईडी जिस जीमेल आईडी पर आपने चैनल बनाया था, चैनल आपका रिमूव हो गया था, उसी जीमेल आईडी से नया चैनल बना लिया, तो आपका चैनल रिमूव हो सकता है। देखो यूट्यूब की पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी के अगेंस्ट यूट्यूब नहीं जाता है। अगर यूट्यूब ने गलती की है तो मानेगा, एक्सेप्ट करेगा और आपके वीडियो को वापस करेगा, आपके चैनल को वापस करेगा। इतना मैं दम रखता हूं, गारंटी लेता हूं कि अगर आपने गलती नहीं की है तो आपका चैनल YouTube अपील से मोनेटाइज भी करेगा, और अगर सस्पेंड या हैक डिलीट हो गया है तो आपका चैनल YouTube वापस भी करेगा। ये टेक्निकल प्रभाकर का वादा है, क्योंकि टेक्निकल प्रभाकर यहां पर जो बातें बताता है वो ऐसे हवा में उठकर नहीं बताता है, टाइम लेता है, एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता है, आपको शेयर करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अभी तक हमने 500 से ज्यादा YouTube चैनल मोनेटाइज कराए हैं, वो भी रीयूज्ड कंटेंट वाले। ये सारे चैनल जितने भी आज तक मोनेटाइज कराए सब खुश हैं।
आपको मैं बताऊं, मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि आप देखिए एक सामने स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। हमारे एक मेंबर ने बताया कि जैसा कि आपने सर कहा था कि हजारों में नहीं लाखों में व्यूज आएंगे, आज के टाइम पर व्यूज आ रहे हैं। तो जो बातें करते हैं वो हवा में नहीं होती, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छे से जानकारी बताई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अपील वीडियो बनाते टाइम क्या सावधानी रखना है और कैसे आपको काम करना है। अगर आप सारी बातों को फिक्स करके अच्छे से काम करेंगे, डेफिनेटली आपके चैनल पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।